अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिन खान और आप देख रहे हैं एमबीएस पाकिस्तान। सुबह सुबह इस टाइम मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और बेसिकली रीज़न इज़ दैट के एक दो दिन से एक जो है वो न्यूज़ जो है वो मुसलसल वायरल हो रही है रिगार्डिंग अ कैमरामैन ऑफ निजी प्राइवेट टीवी चैनल की, उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू कैंसर। जी हाँ बिल्कुल, मैं मोहम्मद नासिर की बात कर रहा हूँ और जिनका ताल्लुक एक पाकिस्तान के प्राइवेट टीवी चैनल से था और उनके वो कैमरामैन थे। वीडियो क्यों कर रहा हूँ, इसका एक मकसद है और मकसद बड़ा सिंपल सा है कि हम लोग हमेशा किसी भी शख्स को और उसकी प्रॉब्लम्स को उसके दुनिया से जाने के बाद ही क्यों सोचते हैं कि यार वो ऐसा है, अब उस बच्चे की कंडीशन ये है, वो बेचारे की डेथ यूँ हो गई और उसके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। जिस वक्त वो ज़िंदा था और वो इस ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था तो उस वक्त तो किसी ने भी उसको पूछा नहीं। असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी हम बेसिकली मैं इस वक्त जहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, दो मीडिया में डिफरेंट लोग होते हैं, एक ऑन कैमरा ठीक है और एक ऑफ कैमरा। एक वो लोग होते हैं जिनको आप टीवी के ऊपर देख सकते हो ठीक है, जैसे एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, लेकिन एक वो टीम वर्क होती है जो उस कैमरे के पीछे होती है और उस कैमरे के पीछे काम कर रही होती है, जिसमें कैमरामैन्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, एडिटर्स होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन वाले होते हैं, बहुत सारा डिपार्ट, सेट डिपार्ट, पता नहीं इतने सारे लोग होते हैं, इतनी बड़ी टीम वर्क होती है जब वो एक फाइनली कोई चीज़ आपके सामने होती है और वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने स्टार हमेशा वही होता है जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। और जो नज़र आते हैं एम्प्लॉयज़, जो होस्ट होते हैं मॉर्निंग शोज़ के, ये शोज़ के, गेम शोज़ के, दूसरे अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या, उनके अगर आप पैकेजेस के बारे में आपको ज़रा से भी पता लगे कि कितना पैकेज इनके उनको टीवी चैनल दे रहा होता है तो आप हैरान रह जाएंगे। और जबकि एक सिंपल कैमरामैन के सैलरी के बारे में आपको पता चले कि उसको कितनी दी जा रही है, एक स्पॉट बॉय की सैलरी क्या है जो दिन रात एक पांव पे खड़ा है, जो बैठ भी नहीं सकता और जो वो बातें भी सुन रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, उनकी सैलरी बहुत कम होती है। क्योंकि मैं खुद एक चैनल के साथ कनेक्ट रहा हूँ और मैं तकरीबन एज अ चैनल प्रोड्यूसर इस पूरे एक चैनल को रन किया है, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि एक जो प्राइवेट चैनल्स जो हैं ये क्या करते हैं और किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जब मर्जी होता है। अभी डाउनसाइजिंग हो रही है, चैनल्स बंद हो रहे हैं, आपको बहुत सारे चैनल्स ऑफ करते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को है प्रेशर के साथ उनसे जो है इस्तीफ़ा ले लिया गया है कि रिज़ाइन साइन कर दिए जाएँ। मेरे अपने बहुत सारे कुलीग हैं जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड हो गए, रीज़न ये है कि अब जो है उनके पास काम नहीं है, तो टोटल काम है वो सोशल मीडिया पे है। एम्प्लॉयज़ जब फायर किए जाते हैं तो हमेशा छोटा तबका फायर किया जाता है, छोटे लोगों को निकाला जाता है, बड़े लोगों को टच ही नहीं किया जाता जिनकी सैलरीज इतनी हाई और ह्यूज होती हैं। बहरहाल हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, इस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। मोहम्मद नासिर जो थे उनकी तनख्वाह मेरे मुताबिक या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 17,000 रुपये थी और उसमें से भी इन दी लास्ट वो काफ़ी कुछ कट कटा के उनको मिलते थे। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है। अब बात रह गई कि उनके साथ इंसिडेंट हुआ क्या था ऑन रिकॉर्डिंग, यानी कि वो एक न्यूज़ कवरेज कर रहे थे जो PIA की डाउनसाइजिंग का था, कुछ इश्यूज था चैनल के लिए वो कर रहे थे और वहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनको एक उनके नी में इंजरी हो गई, यानी कि नी उनका हर्ट हो गया, घुटने में उनको चोट लग गई। ऑन वर्किंग थे वो इस वक्त, सारी चीज़ें थी और उनको जो हॉस्पिटल लेके गया गया, अच्छा वो वक्ती तौर पे वो समझे कि ये, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक था, इतना ज़्यादा बड़ा कि वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो ज़ख़म जो है या वो चोट जो है वो कन्वर्ट हो गया कैंसर के अंदर और उसके बाद उनका कोई इलाज ना हो सका। और वो अभी पिछले दिनों जो है उनकी वो डेथ हो गई है, उनका एक बेटा है ठीक है, वो बेटा अब स्कूल गोइंग नहीं है, स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि उसकी फ़ीस देने वाला अब कोई नहीं है। पता नहीं उस टीवी चैनल ने या उस प्राइवेट टीवी चैनल ने उनके लिए क्या किया, लेकिन अब तक जो चीज़ें और जो ट्वीट्स नज़र आ रहे हैं, जो फेसबुक पे पोस्टें नज़र आ रही हैं, जो बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे यही लगता है कि चैनल ने नहीं किया। उनका HR डिपार्ट कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, अगर ऐसा है तो चैनल इस बात को क्लियर करे कि नहीं ऐसा नहीं है। और क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को फिर कहूँगा जिनके लिए वो काम करते थे, जिनके वो कैमरामैन थे, आज वो लाखों की सैलरीज के ऊपर बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा होगा, ये कभी नहीं सोचते, ये खुद भी एक दिन इसी तरह इस कंडीशन में जब होंगे तब इनको इस बात का अंदाज़ा होता है।
बड़े बड़े आर्टिस्टों को हमने खामोशी की मौत मरते हुए देखा है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मैं उस टीवी चैनल की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए इन प्राइवेट लोगों के लिए जो बेचारे अपनी जिंदगियां इस तरह से दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है। और मैं एक पोस्ट पे ही कमेंट्स में पढ़ रहा था तो उसी चैनल का कोई बंदा था जिसने कहा था कि हम ऐसा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं करते, ये चीज़ें नहीं करते, और जो है आप एचआर से, भाई आप तो खुद एम्प्लॉई हो ना, आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करो। और नीचे उसी के एक और कमेंट उसी चैनल के एक बंदे का आया हुआ था जो आगे से कहता था कि यार पहले 4 महीने की तनख्वाहें तो दे दो। उसके नीचे एक और उसी चैनल के बंदे का आया हुआ था कि मेरे तमाम चीज़ें जो है, जितना भी मेरा साल की मेहनत थी एज अ एम्प्लॉय मैंने किया, और उसके बाद जो है ये कहकर मेरी अमाउंट को रोक दिया गया कि अभी फंड्स नहीं है। ये फंड्स जो हैं, आप किसी मॉर्निंग शो की होस्ट की सैलरी रोक कर तो देखो, ये किसी आर्टिस्ट के पैसे रोक के तो देखो, तब आपको अंदाज़ा होगा। आप एक एम्प्लॉय के तो फंड्स के लिए पैसे रोक सकते हो, उसकी क्या ज़रूरत हो, इसका अंदाज़ा नहीं है। ये हमारे मुल्क का सिस्टम है, जो सही नहीं होगा तो कभी भी सही नहीं होगा, सही हम ही कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। आप सोचो उसका बच्चा जिसकी तस्वीर में ये लगा के दिखा रहा हूँ आपको, अब वो किसी स्कूल में नहीं है, स्कूल वाले उसको निकाल चुके हैं क्योंकि उसके फीसिस, वो जाहिर सी बात है जब उसके फादर हॉस्पिटल में थे तो वो हॉस्पिटल में ही था, और ये सब चीज़ें स्कूल अब जाने के काबिल नहीं है। कौन खड़ा है उसके लिए? अगर है कोई तो बताए, और अगर नहीं है तो शर्म करो, ये कल तुम सब भी इसी एंड में जाना है। अल्लाह ताला सीनियर कैमरामैन मोहम्मद नासिर को जन्नत फिरदौस में जगह बताए, उनके बच्चों को, उनके लवाइकिन को सब्र दे, और खुदा रहे निजी टीवी चैनल्स को, मालिकांस को जो इस वक्त खुदा बन के बैठे हैं, जिनको खुदा का खौफ नहीं है, इनके पास फंड्स नहीं होते, सोचें आप, इनके पास हर चीज़ के फंड्स हैं, इनकी गाड़ियाँ, इनके घर, इनके बंगले और इनकी दूसरी चीज़ें देखें, इनके पास एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ंड्स नहीं है। शर्म का मकाम है। मैंने नाम चैनल का नहीं लिया, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल का नाम आ जाएगा, और ये एक चैनल नहीं है कि पाकिस्तान के तकरीबन चैनल्स का यही हाल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को एटलीस्ट इतना शेयर कर दीजिएगा कि अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो कम अज़ कम ये उस वहाँ तक पहुँच जाए कि हम मोहम्मद नासिर की आवाज़ बन जाएँ, उसके बच्चे को तालीम। अगर कोई मोहम्मद नासिर का रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करना चाहे तो मुझे कमेंट्स में लिख सकता है, मैं उसे उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर जो भी उसकी फैमिली का है वो दे सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है। कोई खामोशी से उसकी मदद करना चाहे, उसे बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहे तो प्लीज़, क्योंकि चैनल तो नहीं करेगा, वो तो निचोड़ चुका है, वो हर किसी के साथ हुआ, मेरे साथ ये तजर्बा बहुत पहले हो चुका है, और मैं अब कभी भी ज़िंदगी में मीडिया को दोबारा ज्वाइन नहीं करूँगा, उस काबिल नहीं है या मैं उसके काबिल नहीं हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।